तो जैसा कि देख रहे हैं हुंडई की ग्रैंड i10 है, आप देख पा रहे हैं। मैं इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहा हूं क्योंकि इसका इवापोरेटर कॉइल लीकेज हो चुका है, इसकी वजह से हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। तो अभी गाड़ी अभी ऑफ पोजीशन में है, इग्निशन ऑन है पर गाड़ी ऑफ है, तो हम इसका डैशबोर्ड खोलने जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि क्या क्या खोलना पड़ेगा इसमें हमारे को, फिर आप हमारे से जुड़े रहे। और हेलो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले, जैसा कि मैं आपको हर एक पार्ट दिखाऊंगा कौन सा क्या खोलना पड़ेगा। तो चलो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, डैशबोर्ड खोलने का काम, चलो फिर हम अपना काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं ये मैग्ना है, 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार्ड है, हुंडई की i10 है, ग्रैंड i10 है। तो इसमें दो स्क्रू इधर रहता है, दो स्क्रू इधर रहता है और एक 10 नंबर यहाँ रहता है। ये मैं खोल चुका हूँ, अब इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इजीली बाहर आ गया, इसको मैं बाहर निकाल के फिर आपको बना दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको बाहर निकाल दिया, यहाँ की कंसोल बॉक्स जो थी मैं निकाल दिया। इसमें एक सॉकेट रहती है, ये वाली सॉकेट लाइटर की, वो भी निकाल दिया। और रही ये पैनल, ये पैनल आप इसको ये साइड खींचेंगे पूरा ये निकल जाएगा। एक स्क्रू है यहाँ, 1 2 3 4 स्क्रू रहता है, 3 खोल दिया हूँ, एक नहीं खोला हूँ अभी, ये खोल देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये खुल गया मेरा पैनल, ये पीछे होल्ड कर देता हूँ मैं इसको, और वैसे भी इस साइड का है, इसको आगे खींचेंगे आप तो ये इजीली निकल जाता है। देख पा रहे आप ये भी खुल गया मेरा। और ये रही फ्यूज बॉक्स का कवर, ये 2 10 नंबर खोलेंगे, एक स्क्रू इधर का, एक स्क्रू यहाँ का खोल के, और एक स्क्रू यहाँ का खोल के ये इजीली बाहर आ जाएगा आपका। और एक सॉकेट रहेगी यहाँ, ये वाली सॉकेट खोल देने का। तो ये वाली सॉकेट भी मैंने निकाल दिया, अब रही ये साइड पैनल का खोलना पड़ेगा और वो साइड पैनल का। और ये गियर बॉक्स को खोल के, ये जो 12 नंबर देख रहे हैं आप, ये चारों बोल्ट खोल के गियर बॉक्स को पलटी मारना पड़ेगा आपको। और यहाँ फ्यूज बॉक्स की रहेगी जो, ये दोनों सॉकेट निकालना पड़ेगा, और ये वाली पावर स्टेयरिंग वाला, ये वाली निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग है, और ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा। चलो अब हम ये सब आपको निकाल के फिर दिखाएंगे। एक ही बोल्ट यहाँ, ये वाली 10 नंबर जो कि कंट्रोल यूनिट में दिया हुआ रहता है, वो खोलना पड़ेगा। और आपको दिखा देता हूँ ये वाली सॉकेट निकालना पड़ेगा, ये वायर आउटसाइड फिटिंग है। और एंगल का ये सब यहाँ का 10 नंबर सब खोलना पड़ेगा आपको। चलो फिर हम ये सब खोल के फिर आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं मैंने गियर बॉक्स, ये ऑटोमेटिक गियर है, तो इसको हम खोल के अलग कर दिए हैं, छुट्टा कर दिए हैं बिल्कुल। और ये केबल रही, सिर्फ ये वाली केबल और ये केबल संभाल के निकालने का, क्योंकि ये ऑटोमेटिक कार है। तो उसके बाद एयर सॉकेट निकालना पड़ेगा, एयर बैग की मॉड्यूल का सॉकेट और ये वाली सॉकेट, ये दोनों सॉकेट निकालने के बाद स्टीयरिंग आप देख रहे हैं मैं अलग कर दिया हूँ इसको यहाँ के ज्वाइंट से, इजीली खोल लेंगे, बिल्कुल इजी पड़ेगा आपको। और उसके बाद ये सब सॉकेट निकालना पड़ेगा। लगभग मेरी गाड़ी की सब पूरी डैशबोर्ड खुल चुकी है, यानी लगभग सब कुछ खुल चुका है, सिर्फ बाहर मेरा वाइपर कॉल पैनल खोल के वो दो बोल्ट जो दिया रहता है 12 नंबर वो खोलना बाकी रह गया है। तो चलो हम उसको खोल के फिर आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दोनों 12 नंबर आपका कॉल पैनल खोल के, ये दोनों 12 नंबर खोलना पड़ेगा आपको। उसके बाद एक्सपेंशन वाल के पास ये वाली ज्वाइंट, ये वाली यहाँ का खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये रही मीटर पाइप, दोनों निकालना पड़ेगा, फिर आप अंदर देखते हैं। देख रहे हैं मैंने बाहर आपको दिखा दिया क्या क्या खोलना पड़ेगा, अब मेरा डैशबोर्ड पूरा इजीली बाहर आ जाएगा। अब हम इसको सीट के ऊपर होल्ड कर देंगे, सीट के ऊपर होल्ड करके इवापोरेटर कॉइल निकाल सकते हैं इजीली। तो चलो अब हम डैशबोर्ड को पलटी मार देते हैं, फिर देखते हैं आगे दिखाएंगे आपको। हेलो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं हमने डैशबोर्ड पलटी मार दी है इसका, आप देख पा रहे हैं। अब हम इसका ट्रे खोलेंगे, ये वाली ट्रे रही, खोल के फिर नया इवापोरेटर कॉइल डालेंगे इसमें हम। चलो फिर खोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही, मैंने इसका ऊपर का ट्रे खोल दिया है, और ये कूलिंग कॉइल है, आप देख पा रहे हैं इधर से लीकेज हुआ है, इधर से कहीं से ना कहीं से लीकेज हुआ है, मेरे को प्रेशर मार के चेक करना पड़ेगा। और ये रही नया वाला कूलिंग कॉइल, ये देख रहे हैं आप, ये रही नया वाला कूलिंग कॉइल हम इसमें डालेंगे। और इसका MRP देख लीजिए आप कितना है, देख पा रहे हैं MRP। चलो अब हम इसको फिटिंग करके, इसमें फिटिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। चलो जब तक के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ।
जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं इसका सब फिट कर दिया हूँ। ये रही सेंसर, कूलिंग कॉइल का सेंसर का, और ये रही रेजिस्टेंस का, मैं सब फिट कर चुका हूँ। ये स्क्रू रही 1, 2, 3, 4, एक ये रही 5, एक यहाँ रही 6, और ये 7, 8, 9 स्क्रू है, और एक ये सब खोलना पड़ेगा। खोल के मैं फिटिंग कर चुका हूँ इसका। और ये 2016 का मॉडल है, पेट्रोल कार है, आप देख पा रहे हैं। ये वाली एक्सन का भी इसमें बैठ जाता है इवेपोरेटर कॉइल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्सन का भी इसमें बैठ जाता है। तो चलो अब हम इसको फिटिंग कर दिए, फिर डैशबोर्ड बॉडी में डाल के फिर आपको हम आगे दिखाएंगे। दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं आप, मैंने डैशबोर्ड बॉडी में यानी गाड़ी में डाल दिया है। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद सबसे पहले हम इसका नाइट्रोजन प्रेशर मार के लीक टेस्ट करेंगे। मैं बाहर जा रहा हूँ, नाइट्रोजन प्रेशर मारेंगे, फिर इसका प्रेशर मार के रखेंगे थोड़ी देर के होल्ड रहता है क्या नहीं, जब तक कि ये फिटिंग भी हो जाएगा मेरा। चलो फिर आगे हम प्रेशर मारते हैं। देख पा रहे हैं मैंने इसमें लो प्रेशर में लगा दिया है, और प्रेशर सारे 300 से 1600 ऊपर है। ये रही नाइट्रोजन, हमने इसमें प्रेशर मार के रखा है। तो चलो थोड़ी देर के लिए हम इसको होल्ड करके रखते हैं, देखते हैं प्रेशर उतना ही रहता है या ड्रॉप होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया बाहर, प्रेशर मार के रखा हूँ जब तक हम डैशबोर्ड को फिटिंग कर रहे हैं, फिटिंग करने को लेते हैं, और प्रेशर मेरा उधर जब तक का चेक भी हो जाएगा कि प्रेशर होल्ड में है या फिर प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। चलो फिर हम इसको फिटिंग करने लग जाते हैं। जैसा कि देख रहे हैं मैंने काफ़ी फिटिंग कर चुका हूँ, फ्यूज बॉक्स वगैरह का सॉकेट वगैरह सब लगा चुका हूँ, और बाकी थोड़ा बहुत फिटिंग करना है। बस ये फिटिंग करके मैं आपको आगे दिखाऊंगा। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैं गाड़ी को पूरा फाइनली फिट कर चुका हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मैं जा रहा हूँ आपको प्रेशर दिखाने के लिए, प्रेशर होल्ड में है या फिर नहीं है वो दिखा देता हूँ आपको। फिर हम इसका गाड़ी चालू करेंगे, एसी चालू करेंगे, कूलिंग टेम्परेचर चेक करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रेशर होल्ड में है, इतना मारा था उतना ही है। अब हम प्रेशर को छोड़ देते हैं और लगा दूंगा इसको। सारे मैं प्रेशर जीरो कर दिया हूँ, और हम इसको वैक्यूम में लगा देते हैं। दस मिनट के लिए वैक्यूम लगा दिया हूँ, 10 मिनट बाद फिर मिलते हैं। सारे वैक्यूम कंप्लीट हो गया, अब हम इसको गैस चार्जिंग को लगाने जा रहे हैं। 400 ग्राम गैस भर रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं गैस फुल हो चुका है इसमें। अब हम अंदर जाते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, ये वाली वाल बंद कर देते हैं, क्योंकि गैस सर्कुलेशन मशीन में से फिर वापस से सक्शन में आएंगा नहीं तो, इसके लिए इसको बंद कर देता हूँ मैं, यानी खोल देता हूँ तो बंद हो जाएगा। खोल दिया, चलो अब हम अंदर जाते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, फिर एसी चालू करते हैं और कूलिंग टेम्परेचर चेक करते हैं कितना आ रहा है। हेलो दोस्तों, फाइनली हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, अब हम गाड़ी को चालू करने जा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं गाड़ी चालू हो चुकी है, अब हम इसका ब्लोअर चालू है अभी, एसी चालू कर देता हूँ और आउटसाइड का एयर बंद रखा हूँ, और कूलिंग टेम्परेचर चेक करता हूँ कितना आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी 26 पे आ रहा है, तो तब तक के लिए मैं वीडियो होल्ड कर रहा हूँ और देखते हैं कूलिंग टेम्परेचर कितना तक जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8.9 पे कूलिंग टेम्परेचर आ चुका है। अब चलो हम इसका हीटर हाई करते हैं और हीटिंग टेम्परेचर देख रहे थे कितना जाएगा, कितना जा रहा है। जैसा कि देख पा रहे हैं हीटिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए मैं होल्ड करता हूँ वीडियो और देखता हूँ हीटिंग टेम्परेचर कितना जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 52 तक आ चुका है हीटिंग टेम्परेचर, यानी इसका सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। तो हेलो दोस्तों, आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले। प्लीज 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 थैंक्स फॉर वॉचिंग।